हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, हम न्याय के लिए आजकल सब अदालतों में जाते हैं। तो अदालतों में अक्सर आपने देखा होगा कि हिंदी सिनेमा में जब भी अदालतों का सीन आता है तो जज के बगल में एक मूर्ति दिखाई देती है। इस मूर्ति के एक हाथ में तराजू होता है और एक हाथ में तलवार। तो इसके साथ ही इस मूर्ति की आंखों पर पट्टी भी बंधी होती है। इस मूर्ति को पूरी दुनिया में न्याय की देवी यानी लेडी जजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ये मूर्ति पूरी दुनिया में न्याय व्यवस्था को दर्शाती है। हालांकि इस मूर्ति और इसके हर एक प्रतीक के बारे में बेहद कम लोग जानते हैं। तो चलिए, आज हम इस आर्टिकल्स में हम आपको इन्हीं के बारे में बताएंगे। न्याय की देवी का कॉन्सेप्ट भारत से नहीं बल्कि मिस्र और यूनान से आया है। दरअसल जिसे आज आप दुनिया भर की अदालतों में देखते हैं वो मिस्र की देवी मार्ट और यूनान की देवी थेमिस और डाइक से प्रेरित है। दरअसल मिस्र में देवी मार्ट को संतुलन, समरसता, न्याय, कानून और व्यवस्था की प्रतीक है और डायक असली न्याय और नैतिक व्यवस्था को दर्शाती है। तो गाइस, आपने देखा होगा कि न्याय की देवी के एक हाथ में तराजू होता है और दूसरे हाथ में तलवार होती है। इसके साथ ही इनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। सबसे पहले आंखों पर पट्टी की बात करें तो ये समता का प्रतीक है, यानी आंखें इसलिए बंद है ताकि न्याय करते समय कोई भी भेदभाव ना हो। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी की अवधारणा 17वीं शताब्दी में आई है और इसे कानून के अंधेपन के तौर पर देखा गया। हाथों में तराजू की बात करें तो इसकी अवधारणा मिस्र से आई है। दरअसल मिस्र में तराजू को न्याय का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही इसे संतुलन का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए यह तराजू दर्शाता है कि न्याय के साथ न्याय करते समय दोनों पक्ष को बराबर सुना जाए, इसके बाद न्याय किया जाए। वहीं न्याय की देवी के हाथों में तलवार इस बात का प्रतीक है कि उनके पास न्याय करने की शक्ति है। इस तलवार को ऑर्थोटी और पावर माना जाता है, यानी जो न्याय होगा उसे लागू करवाने की शक्ति भी न्याय की देवी के पास है। तो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा और आज हमने इस बारे में जाना, ये बहुत ही बेहद ज़रूरी जानकारी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ऐसी और अच्छी अच्छी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।